और घोषणाएं कांग्रेस पार्टी चुनाव में करती है उससे राज्य के कोष को कितना नुकसान होता है। मीडिया के मित्रों से ये बात भी नहीं छुपी है कि अब तक कर्नाटका को बैंकरप्सी के कगार पर लाने वाली कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में आदिवासी समाज के और दलित समाज के उद्धार के लिए जितना पैसा था तिजोरी में प्रदेश की, उसमें से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का फंड डाइवर्ट किया ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। ये सत्य भी आपसे नहीं छुपा कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में जनता को लुभाने के लिए, वोट जनता को गुमराह करके पाने के लिए बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देने की बात कही। ना नौजवानों को कांग्रेस के राज में रोजगार मिला ना भत्ता मिला, इसलिए नौजवानों का जोश और जनता का रोष वो दिखाई दिया पिछले विधानसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा राजस्थान में सेवा का मौका जनता ने दिया। जो लोग हरियाणा के चुनाव में जलेबी की फैक्ट्री लगाने के इच्छुक थे उनको करारा जवाब हरियाणा की जनता दे चुकी है, लेकिन जो पधारे समोसा कॉकस के एक विशिष्ट व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र की पुण्य धरा पर, उनको मैं बतलाना चाहती हूं कि वादे तो उन्होंने भी किए थे हिमाचल की जनता से कि बिजली का बिल कम करेंगे, बिल बढ़ा दिया। वादा तो उन्होंने भी किया था कि हर महिला को 1500 रुपए देंगे, लेकिन जब उनकी सरकार आई तो 96% महिलाओं को हिमाचल प्रदेश में इस लाभ से उन्होंने वंचित कर दिया। एक सत्य ये भी कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में लुभाने के लिए, वोट पाने के लिए बोलती है झूठ, सत्ता में आने के बाद करती है लूट और देश में डालती है फूट। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के मध्य में विकास के संदेश को लेकर जाते हैं, ये आह्वान करते हैं कि हम एक हैं तो सेफ हैं, और ये निवेदन भी करते हैं कि इस चुनाव में महाराष्ट्र को पुनः विकास के पथ पर अग्रसर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद दे। इस विश्वास को देखते हुए मुझे लगता है कांग्रेस के समोसा कॉकस का महाराष्ट्र की जनता के प्रति जो संदेश था, महाराष्ट्र की जनता उसे ठुकराएगी और भारतीय जनता पार्टी को अपनाएगी। आई नाउ ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। इंग्लिश मध्ये बोलायचं आहे का? ती केशव जी बोलते। यस। I think that a political organization which has not based its discourse on development will attack Prime Minister Modi on non-issues. Today, the Bharatiya Janata Party and its representatives, its leaders, are publicly and vehemently stating, let's talk about the economic issues, social issues that are confronting the people of Maharashtra. I am proud to say that irrespective of the vile abuses Prime Minister Modi had to face, specifically from this one individual, he has come back to office for the third time as the head of the government in India. That depicts the people's faith and confidence in Prime Minister Modi's leadership, and that also depicts how disdained people are about such malice that Prime Minister Modi has had to face, specifically from this individual. Thank you.
महाराष्ट्र के साथ साथ जो मौलवी मौलाना है और इमाम है उनको 15,000 रुपए महीने अगर वेतन देते हैं, तो ऐसे कई सारे शर्तों की लिस्ट दी गई है कि अगर वो आप हिंदू मान लेते हैं तो मुस्लिम जो आबादी है महाराष्ट्र की वो महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन को वोट देगी। किस तरीके की चीजें चलेंगे ये हिंदू के सामने आए हैं? मैं इतना ही कहती हूं कि जो आह्वान कर रहे हैं वोट जिहाद का महाराष्ट्र में, उनको समझना होगा कि महाराष्ट्र की जनता विकास के ठोस मुद्दों पर न सिर्फ चर्चा चाहती है बल्कि चाहती है कि विकास के ठोस मुद्दों पर ही काम हो। आज जब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अथवा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता महाराष्ट्र के साथ साथ देश भर में अपनी सेवा देते हैं और नरेंद्र मोदी का 10 साल का अगर आप प्राइम मिनिस्टर के नाते रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने जब कोई पक्की सड़क बनाई तो उसको किसी समुदाय विशेष किसी धर्म विशेष को समर्पित नहीं किया। उनका एजेंडा पिछले 10 सालों में और आने वाले उनके पूरे कार्यकाल के लिए यही है, सबका साथ और सबका विकास। जो लोग समाज को बांटने की अलग अलग व्यवस्थाएं कर रहे हैं वो मात्र वोट की फिराक में है, विकास की फिराक में नहीं है। ये पहली बार नहीं है मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि के नाते यहाँ अपना कोई उल्लेख या अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती, लेकिन स्वयंसेवकों के परिवार से हूँ इसलिए एक स्वयंसेवक के नाते कह सकती हूँ कि ये पहली बार नहीं है कि किसी ने आरएसएस को धमकाया है, ये पहली बार नहीं है कि किसी ने आरएसएस को नेस्तो नाबूद करने की बात कही है। आरएसएस था, है और रहेगा, इतना तो स्वयंसेवक जानते हैं, लेकिन मेरा आग्रह भाजपा का मंच है इसलिए मैं भाजपा की ओर से ही बोलने के लिए सामर्थ्य रखती हूँ इस मंच से। हाँ जी, देखिए मैं इस प्रकार की तथाकथित ख्याली बातों पर टिप्पणी करके ना वोटर का उद्धार